रिएक्शन, समीर के रिएक्शन तो बैठ ये हो गया लग गया लुल, ये हो गया लुल। बल्ले मैं तो जा रहा हूँ अंदर, ठीक है भैया भी गैस होटल तो हायर कर लिया हमने, ये हमारा होटल रूम। ये हमारा होटल रूम गैस, बड़ी मुश्किल से ये जगह मिली है, एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ बहुत मुश्किल है। अभी हम चल रहे हैं माल रोड की तरफ, मार्केट माल रोड, माल रोड। और ये है लोकल मार्केट, इधर दिस इज द फुल मार्केट। और ये है वो, अरे और ही ना करे कुछ, लेट जाए यहाँ पे बर्फ के अंदर। आ जाओ सब, आ जाओ फ्रेम के अंदर। हम बस में बर्फ में चल रहे हैं। हाँ यहाँ पे तीन चार लोकेशन है, ऊपर माल रोड। भाई मैं थक गया। माल रोड एंड चर्च, जाकू मंदिर, बहुत चढ़ाई है। मैं दिखा रहा हूँ, इसका जूता गंदा हो गया, डांट खा के आया अंकल से। क्या हुआ लुल? पता क्यों, हमने कुछ खाया नहीं, हमने अभी तक नाश्ता नहीं किया, पहले नाश्ता कर लेते हैं। सुबह ये देखिए जॉर्डन भी ले लूँगा, ना जॉर्डन भी ले लेगा। ये है लोकल मार्केट, एटीएम कर देना बस, ठीक है हो जाएगा। यहाँ पे स्टील पीतल के बर्तन, कहाँ पे कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा अभी सब मिलते हैं, टॉय जैकेट्स, फ्रूट्स, जैकेट। और इसको देखो पैस क्या बोल रहा है, कैसी लग रही मार्केट, एक नंबर, एक नंबर। लेकिन इन दोनों का खोल गया साथ, इन दो जवानों का। या कश्मीरी स्पोर्ट है। अभी हम चल रहे माल रोड, माल रोड के बाद चर्च। तीन चार लोकेशन बता रहे, देखो हम कहाँ कहाँ जाते और आपको क्या क्या दिखा पा रहे। ये मंदिर है कोई, श्री कृष्ण मंदिर। बिल्डिंग देखो गाइस, पतलीसिया सुंदर सी बिल्डिंग। ये देखिए ये गुम्मत, भैया थाईस को हाथ लगा लगा के चल रहे। नहीं थाईस को हाथ नहीं लगा, नहीं लगाया, नहीं हम बिल्कुल नहीं लगा रहे था इसको हाथ, अपने दम पे चढ़ रहे हैं, अपने दम पे चढ़ रहे हैं, अपने पैरों पे नहीं चढ़ रहे। चलो आ जाओ फिर आप, जिससे नहीं चला यार ना मेरे को पकड़ लो। ये आ गए ऊपर की तरफ, अभी और ऊपर जा रहे थे, पूछ लो उधर बाल कुछ है। आगे जाके मास्क लगा सकते हो गाइस, लगा लेता हूँ मास्क। पंजाबी
खाने तो जा रहे भैया। सूस भी खेल ये सब उखड़ने वाले हैं। सूस की क्वालिटी तो ज़्यादा अच्छी है लेकिन अच्छी क्वालिटी भी मिल जाएगी। वही लड़का है अंदर बड़ी शॉप्स भी है। हाँ खाना खा लो। ये पहाड़ पहाड़ के ऊपर हो रही है बर्फ थोड़ी थोड़ी सी। दिल्ली तो भाई दम नहीं लगा जाकर चढ़ते चढ़ते सीढ़ी है सीढ़ी से मस्त दिल्ली वाले भैया हैं। दिल्ली स्टोर गाइस हमें जाकू हनुमान मंदिर तो नज़र आ गया। हनुमान जी की मूर्ति लेकिन काफ़ी हाइट पे है। देखते हैं वहाँ पहुँच के क्या डिसाइड होता है जाएंगे या नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ हाँ चले जाएंगे हम तो चले जाएंगे। ज्वेलर शॉप भी है इधर ज्वेलरी शॉप। लेडीज शूज स्टोर एंड सभी एसेसरीज मिल जाएगी आपको अच्छे से अच्छे प्राइस में। इसको यहाँ का सारा कुछ पता है इसलिए आगे आगे चल रहा है। सब पता है इसको यहाँ का। ये लोकल यहाँ पे 2 साल रह के गया है शायद 2-3 साल नहीं गए। इसमें मजाक कर रहे क्या ढूंढ रहा है ये माल रोड के ढूंढ रहा है बाजार के अंदर। ये लगेज सीट वेंडर अंकल जी वॉशिंग मशीन स्वेट शर्ट्स अंडरगारमेंट्स और ये समीर को लग रही है ठंड चढ़ाई चढ़ते हुए भी। देखो गाइस वो मंदिर है उधर हनुमान जी का उधर वहाँ पे स्टेयर्स जाती है लगभग स्टेयर से लगता है 10 मिनट ऊपर जाने के लिए। ये चलते का है बंती का है कह रहे यार यही चलेगी क्या बोल रहे। मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा गाइस। शिमला में ऐसा कुछ खास तो है नहीं। लोकल मार्केट है यहाँ सब कुछ मिल जाता है। बस आपको ये देख जाएंगे हार्ड वर्किंग मैन एक्चुअली इनकी प्रैक्टिस हो जाती है। और ये पिट्ठू का पिट्ठू भी बोलते हैं इनको। और दिन रात ये अप डाउन करते हैं। कुछ नहीं भैया शिमला के अंदर खाने के खाने के कुछ ओनली लोकल मार्केट है। मार्केट्स मार्केट्स का लुत्फ लेने आप शिमला आए हो। हाँ मैं फर्स्ट टाइम शिमला आ रहा हूँ और जो मार्केट में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मार्केट तो बहुत बड़ी है लेकिन हमारे मतलब तो नहीं ना हमारे मतलब एक्चुअली हम जो कोई आएगा वो सब कुछ लेके आता है और इन लोकल्स के लिए अच्छी मार्केट है। लेकिन हमें अभी तक कुछ खाने के लिए कोई अच्छी शॉप नहीं मिली अच्छा होटल नहीं मिला तो अगर एंजॉयमेंट के लिए अगर आप शिमला आ रहे हो तो बताइए वी आर नॉट सजेस्टेड। ये देखो गाइस ऊपर कैसे रास्ते हैं यहाँ पर। एक्चुअली ये पहाड़ी पे बना एक इलाका है भाई वही देख रहे कुछ ही नहीं मिल रहा है। एक्चुअली जो आते हैं विजिटर्स उनको चाहिए होता खाना
सबसे पहले खाना, खाना सबसे बेटर हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे खाना का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। बर्फ खा सकते हैं, हवा खा सकते हैं, धक्के खा सकते हैं, सांस फुला के घूम सकते हैं। अगर आपको ये जैकेट्स वैकेट्स लेनी है अपने तो ले जा सकते हो अच्छे अच्छे शॉप से, बट अगर आप दिल्ली जैसे स्टेट से आ रहे हो तो आपको कोई नीड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इससे अच्छी वैरायटी मिल जाएगी, वो भी आपको अच्छे प्राइस में। देखो गाइस, ये है जाकू टेंपल, ऊपर है हनुमान जी की, वो आपको मूर्ति दिख रही होगी, ये देखो ये मूर्ति दिख रही होगी। हाँ रोप वे पे चल रही है, लेकिन चालू नहीं है भैया वो, तो इसका थोड़ी है, यहाँ चालू थोड़ी है, स्टैंड नहीं चलती है ना, वो बनी तो है, रोप वे है, वे हलवा खिला रहे। यहाँ पे वैरायटी क्या है देखो, मिठाई है, समोसे, क्या कुछ भी नहीं मिल रहा यहाँ पर, कुछ भी नहीं मिल रहा भैया। खाने के होटल है क्या आगे? होटल ही होटल आगे बता रहे, आगे चलते देखते कहाँ क्या मिलता है। गाइस ये तो आधे वजन इनके पहले ही गिर गए, अब खाने का जब ये अपने वापस असली वजन में आ सके तो आ जाए। ये देखो बहुत मजा आ रहा है। ये हमारे जो संतोष भी है, इनकी उम्र है बचपन, अब आप समझ सकते हो बचपन किसको कहते हैं बुढ़ापे में। सो गाइस ये कुछ ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा नहीं, इट्स फैक्ट, 33 इयर्स का इनका एक लड़का भी है। ओह माय गॉड, ये बहुत ज़्यादा हो गया, 17 के दो। तब ठीक है, 17 के दो, मैं खुद 33 इयर्स का हूँ। हाँ ये 33 इयर्स के हैं, देख लो मेरी शक्ल से मेरी चेहरे, लेकिन इन्होंने इयर्स गिनने बंद कर दिए, 20 साल बाद ही शुरू करा, 33 के बाद गिनना बंद कर दिया था मैंने, सो दैट मैं वहीं स्टेड हो गया। क्यों समीर भैया है 33 इयर्स ओल्ड के, और भैया ने इयर्स काउंट करना 20 साल बाद किया, तो भैया है अभी 33। ये आ गया माल रोड, यहाँ पे मिल जाएगा कुछ खाने के लिए, पंजाब शेर पंजाब, हो सके अच्छा कुछ हैवी सा कुछ मिल जाए। ये गाइस शिमला का व्यू, शिमला में माल रोड बहुत फेमस है, ये देखो ऐसे ऊपर जिगजैग करके ऊपर रास्ते बने हुए हैं। चलने भैया कहाँ गए? ये देखो गाइस बर्फ ऐसे साइड कर दी जाती है, जब बर्फ इकट्ठी हो जाती है रोड क्लियर करने के लिए, बर्फ ऐसे साइड कर दी जाती है। हमारे भैया कहाँ गए? गाइस ये व्लॉग आप देखते रहिए, शिमला का माल रोड पट रहा होगा यूं, और शिमला का लोकल व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या कर रहे हो भाई? बर्फ के मजे ले रहे कि जूतों में ग्रिप है या नहीं है, है या नहीं है। क्या भैया कुछ मिला? स्नैक्स वगैरह ही मिलेगा, और खाना 12:30 के बाद। तो स्नैक्स ले लेते हैं, क्या स्नैक्स लेंगे? गैस हम अभी यहाँ पे स्नैक ही मिल रहा है और कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हमने सुबह से कुछ नहीं, सुबह से कुछ नहीं खाया, तो अभी हम स्नैक्स एंड टी लेंगे, उसके बाद देखेंगे लंच में क्या करते हैं। गाइस अभी हमने नाश्ता किया था तो अभी हम खाना खा लेते हैं शेर पंजाब में। यहाँ पर देखो क्या मिलता है खाने के लिए, आखिर भैया ने कह दिया कि ऑर्डर ले रहे हैं तो फाइनली अगर कुछ मिल जाए खाने के लिए। 50% डिस्काउंट चाहिए। फैज बैठो इधर बैठ जाओ समीर। सो अभी हम ऑर्डर कर रहे हैं, क्या क्या है अपने पास? खुद का है अपना, मेनू कार्ड उठा लो, पेट खुद का मेनू कार्ड उठा लो।
अभी हम मेनू कार्ड देख रहे हैं, मेनू कार्ड देखने के बाद डिसाइड करते हैं क्या मंगा रहे हैं। अक्का नूडल्स है, तड़का नूडल्स। ये सारी आइटम्स है, अभी हम देखेंगे क्या मिलेगा यहाँ पर बेस्ट। वेज ही लेंगे, बाकी ये दोनों क्या लेंगे ये पता नहीं। सो अभी ऑर्डर कर रहे हैं हम। मेनू देख के जाएगा, मेनू में सारा मिल जाएगा, देख लो भैया फिर देखो मेनू फटाफट। आप तो बोल दिया ना सर, दाल मखनी कर देना, एक राजमा कर दो। ये दोनों अपनी धुन में लगे हुए हैं, भैया ऑर्डर कर रहे हैं दाल मखनी राजमा। दाल मखनी और राजमा मंगा लो, एक दाल मखनी एक राजमा। हां यस। और बाकी रोटियां, बाकी रोटियां खाकर देखते हैं अगर होगा तो चावल मंगा लेंगे। गाइस हमने कर दिया ऑर्डर, अभी हमारा ऑर्डर हो रहा है रेडी। आने दो खाना, हम ये सब मस्ती कर रहे हैं। गाइस ये है रेस्टोरेंट का व्यू, शेरे पंजाब। शेरे पंजाब टेस्ट आई, जब पता लगेगा कैसा है आइटम। ये बैठे हमारे गाइस, ये भी क्या कर रहा है, वीडियो कॉल, वीडियो कॉल कर रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है और बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है खाने का। एक बज गया, कल रात से खाया कहाँ यार। ये आ गया है हमारा ऑर्डर, दाल मखनी राजमा रोटी सलाद एंड पापड़। सो गाइस अभी ये कर लेते हो, अभी हम ये खाना खा के फिर ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। सभी डाकू की तरह टूट पड़े, सभी जंगली की तरह टूट पड़े, खाने को नहीं मिला हमें। तो जनरली कोई होटल बहुत ही कम होटल है। अब ये कोर में भी खा ले, क्या खाने दिया, राजमा गाइस टेस्ट बहुत अच्छा है। यहाँ क्या इस रेस्टोरेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कभी भी शिमला हो तो विजिट जरूर करना, अच्छा टेस्ट है। राइट वीडियो हो गया भैया, और कुछ बस डन। चाय कॉफी, चाय चाय। चलो ये तो हमारा लंच तो हो गया।